तो इस चैप्टर में हम पिछले नेवर स्टोक्स इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पोजाई फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ये हम लोग ने देखा था। अभी हम कुवेट पोजाई फ्लो देखेंगे। कुवेट पोजाई फ्लो, इसमें भी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो होगा। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो होगा। ये दो प्लेट्स हैं और जो इनकी लेंथ है वो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस जो है इसकी चौड़ाई की दिशा में है। अगर ये प्लेट हम रखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और दो प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है। सपोज जो है, सपोज वी हैव दिस टाइप, दो प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ये प्लेट्स हैं इनके बीच में फ्लो हो रहा है। तो जो प्लेट्स के बीच में जगह है उससे उसमें फ्लूड है और वो फ्लो कर रहा है, फ्लो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वाई एक्सिस दोनों प्लेट के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस प्लेट की चौड़ाई की दिशा में है। तो जेड एक्सिस के साथ कोई चेंज नहीं होगा, फ्लो जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जेड के साथ कोई भी फ्लूड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो जेड की दिशा में कोई ना प्रेशर है ना कोई दूसरी क्वांटिटी ऐसी वेरिएबल है, तो फ्लो इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड एक्सिस, इसलिए इसको टू डायमेंशनल प्लेन भी कह सकते हैं। केवल एक्स और वाई बचा जो कि फ्लूड के फ्लो को प्रभावित करेगा। तो जेड के अलावा कुछ चेंज नहीं होगा तो किसी भी क्वांटिटी के लिए ये जीरो होगा, यानी वेलोसिटी के लिए और प्रेशर के लिए सबके लिए। सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये प्लेट जो है फिक्स है, यानी कि ये स्टेशनरी है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। और ये जो प्लेट है पिछले फ्लो इस फ्लो में यही फर्क है, ये जो प्लेट है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से मूव कर रही है। जो पोजाई फ्लो था उसमें दोनों प्लेट स्टेशनरी थी और जो फ्लो हो रहा था वो पूरी तरीके से प्रेशर डिफरेंस की वजह से था, यानी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो था। ये जो फ्लो है इसमें प्रेशर ग्रेडियंट भी होगा और एक प्लेट मूव भी कर रही है। मान लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, दो प्लेट के बीच में फ्लूड है और एक फ्लूड मूव करे, एक फ्लूड जो है प्लेट मूव करे, तो विस्कोसिटी के कारण अगर फ्लूड विस्कस है तो प्लेट के जो ठीक कांटेक्ट में फ्लूड है वो उससे चिपक जाएगा, उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी जो कि प्लेट की है, उसके साथ साथ मूव करने लगेगा। और विस्कोसिटी है फ्लूड में तो हर फ्लूड की लेयर से दूसरी जो उसकी नेबरिंग लेयर है उसके ठीक नीचे वो भी उससे स्टिक करेगी, स्टिक करेगी। तो ऊपर की जो पहले तो प्लेट मूव कर रही है उसके कांटेक्ट में जो फ्लूड है वो मूव करेगा, फिर और नीचे जाएंगे तो
तो वो भी इसी तरीके से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, लेकिन सेम वेलोसिटी नहीं होगी जो कि प्लेट में है, सेम वहीं पे हम लेंगे जहां जो प्लेट के ऊपर, प्लेट की जो वेलोसिटी है वो प्लेट के ऊपर जो फ्लूड है जो प्लेट के कॉन्टेक्ट में है वो उसकी वेलोसिटी तो वही होगी, लेकिन उसके बाद वो घटती जाएगी। उसका कारण यही है, फ्रिक्शन होता है दो लेयर्स के बीच में, तो जब फ्लूड मूव करेगा तो सेम वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी नीचे वाली लेयर को, क्योंकि फ्रिक्शन है। लेकिन नो स्लिप कंडीशन की वजह से, क्योंकि फ्लूड स्टिक करता है विस्कोसिटी के कारण नेबरिंग लेयर से, तो वो लेयर उसको जो मोशन में है, जो जो ठहरी हुई लेयर है उसको अपने साथ ड्रैग करेगी, खींचेगी, तो इस तरीके से वेलोसिटी जो है इंडक्ट होती जाएगी नीचे की लेयर्स में, लेकिन सेम वेलोसिटी नहीं होगी, फ्रिक्शन के कारण वो कम होती जाएगी। तो ये तो एक बात हो गई कि यानी ये जो प्लेट मूव करे इसके कारण से भी फ्लूड में मोशन आएगा भले प्रेशर ग्रेडिएंट ना हो, और अगर साथ में प्रेशर ग्रेडिएंट है तो उसका जो प्रभाव होगा वो होगा। अगर प्रेशर इस दिशा में यानी एक्स एक्सिस के अलोंग घट रहा है, यानी इधर प्रेशर ज्यादा है इधर कम है, और तो फिर ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ धक्का लगेगा फ्लूड में और वो उस तरफ मूव करेगा। तो अगर प्रेशर ग्रेडिएंट एक्स एक्सिस के अलोंग घट रहा है, डिक्रीजिंग है, तो फ्लूड जो है प्रेशर ग्रेडिएंट के कारण भी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। प्लेट भी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, प्रेशर ग्रेडिएंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों का जो जो है कंबाइंड इफेक्ट होगा वो फ्लूड के मोशन पर देखने को मिलेगा, यानी प्रेशर ग्रेडिएंट की वजह से मोशन होगा और प्लेट के मोशन की वजह से मोशन होगा। यहां पर इस तरीके का केस हमने लिया है। यह भी केस हो सकता है कि प्रेशर ग्रेडिएंट इस दिशा में सपोर्ट करे यानी इधर घटे और प्लेट इधर की तरफ मूव करे, फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देख सकते हैं क्या होगा। और यह भी हो सकता है कि प्लेट इधर मूव करे और प्रेशर का जो डिफरेंस है वो इधर की तरफ घटे, यानी कि प्रेशर डिफरेंस इधर ढकेले फ्लूड को और प्लेट के कारण फ्लूड इधर मूव करे, ये भी हो सकता है। तो ये सब तमाम सिचुएशंस इसमें बन सकती हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं प्लेट एक्स एक्सिस के अलोंग और प्रेशर भी एक्स एक्सिस के अलोंग लगा है और घट रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये केस हम लेके चल रहे हैं। तो इस फ्लो को कहते हैं कुवेट पोजाई फ्लो। पोजाई फ्लो का मतलब है जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो, जो पोजाई एक फिजिसिस्ट थे तो उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था, फ्लो देखा था, तो उनके नाम पे पोजाई फ्लो है। कुवेट ने क्या किया था, कुवेट में ने जो फ्लो लिया था वह दूसरे तरह का लिया था जिसमें प्रेशर ग्रेडिएंट नहीं था केवल प्लेट का मोशन था, तो प्लेट के मोशन की वजह से जो फ्लूड में मोशन होता है उसको देखा था उन्होंने, तो उनके नाम पे कुवेट फ्लो था। इसमें दोनों ले रहे हैं प्रभाव तो इसको कुवेट पोजाई फ्लो कहते हैं। तो प्लेट्स के बीच में फ्लूड है इस तरीके का केस है, और ये हमने आपको बताया था कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लगेगी इस पर। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या होती है, Q is velocity, Q is velocity, तो ये है। अब देखिए कि velocity जो कि हमने x एक्सिस के अलोंग ली है, यानी फ्लूड हमने माना कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, चाहे इधर मूव करे या इधर मूव करे, लेकिन एक ही दिशा में मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो यहां पर Q इज सिंपली यू आई और ये जीरो है इसमें, यानी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये चीज हो गई। इसके अलावा स्टडी फ्लो, फ्लो इज स्टडी, तो स्टडी फ्लो के कारण फ्लो इज स्टडी, therefore टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा, ये जीरो होगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये तो टर्म रहेगा नहीं स्टडी फ्लो की वजह से, और क्यू जो है यू होगा। तो यहां पे देखिए यू होगा, वी ओ डब्ल्यू जीरो है, तो ये मिलेगा यू डेल यू बाई डेल एक्स
ये टर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट प्लस म्यू, म्यू मीन्स न्यू, एक्चुअली न्यू इज म्यू बाय रो, विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, और यहां पर भी आपको मिलेगा यू, वी और डब्ल्यू जीरो। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए क्योंकि हमको मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव्स अस दिस इज जीरो, और ये सिंपली आप जानते हैं वी और डब्ल्यू जीरो होने से ये जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के हम ली हमने वो सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन, एक्स का तो नहीं होगा, यहां से क्लियर होगा, और ये बताता है कि जेड का भी नहीं होगा, तो ये केवल वाई का फंक्शन होगा। मीन्स वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, यानी इस दिशा में ही ये घटे बढ़ेगी, इधर की तरफ कोई फर्क वेलोसिटी में नहीं पड़ेगा एक्स के साथ, यानी जो वेलोसिटी यहां है, यानी वाई और जेड अगर फिक्स है तो वेलोसिटी सेम है, वाई के बदलने पर भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये टर्म आपको क्या दे देगा? अच्छा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दिस इज जीरो, तो ये जो इक्वेशन है अभी रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी और साथ में और डेल टू डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो होगा, इसके कारण तो ये बन जाएगा, ये भी देखेंगे। अच्छा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगी। इसमें रिड्यूस हो जाएगा, और इसको भी अगर हम एक्सपेंड करें ये, तो ये क्या है, डेल पी बाय डेल एक्स आई, डेल पी बाय डेल वाई जे एंड डेल पी बाय डेल जेड के। तो हम अभी देख सकते हैं कि ये टर्म्स जीरो होंगे, यानी प्रेशर जो है केवल एक्स एक्सिस के साथ चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलार्म लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली नहीं होगा टर्म, प्रेशर केवल एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये रिड्यूस होकर के हो जाएगी, इस म्यू बाय रो, म्यू बाय रो, तो ये कैंसिल हो गया, इस
तो एक क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गई। अब इसको भी हम लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को यहां लिख ले रहे हैं। अच्छा, ये केवल x का फंक्शन है तो इस पार्शियल को टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, और ये भी केवल y का फंक्शन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन दो प्लेट के बीच में जो फ्लो हो रहा है उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन थी वो एक सिंपल इक्वेशन में चेंज हो गई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रल करिए। दो बार इंटीग्रल करेंगे आप इसका, पहली बार करने पर आपको मिलेगा ये, और एक बार और करिएगा तो आपको मिलेगा ये। इसका इंटीग्रल लिया है, ए और बी जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, इसके लिए कंडीशन दी हुई है हमारे पास यहां पे कि वेलोसिटी व्हेन वाई इज जीरो इज दिस, एंड व्हेन वाई इज, ये एच डिस्टेंस ले लीजिए दोनों के बीच में, तो व्हेन वाई इज एच वेलोसिटी इज कैपिटल यू, वेलोसिटी इज ये है। तो ये इसमें अप्लाई करिए, वाई इज जीरो, यू इज जीरो, वाई जीरो पर यू जीरो होगा तो बी जीरो हो जाएगा इस कंडीशन से, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस यू जीरो व्हेन वाई जीरो, तो उससे आपको मिलेगा बी जीरो एंड यू कैपिटल यू व्हेन वाई इज एच, इससे आपको मिलेगा is this. So is y divide कर लीजिए u by y minus 1 upon 2 dp by dx y. Use this. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसमें y को h रखना था, y is h, ये वही जहां जहां है वहां वहां एच करना पड़ेगा, जहां जहां वाई है वहां वहां एच करना पड़ेगा। एच एच
ये होगा। तो u बाई सॉरी दिस इज u वेलोसिटी इज u इज इक्वल टू दिस u बाई कैपिटल u ये हो जाएगा u बाई एच वाई और यहां पे हो जाएगा 1 बाई टू डी एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया। तो कैपिटल यू यहां डिवाइड कर लीजिए वाई वाई एच प्लस और ये टर्म बाहर ले लेना है यहां मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एच वाई यू हमने डिवाइड किया है तो यहां भी डिवाइड हो जाएगा यू यू का टर्म यह आ जाएगा। अब इसमें हम ले रहे हैं वाई स्क्वायर एच बाहर ले लेंगे वाई स्क्वायर एच H. This is 1 by H. वाई एच बाहर ले लीजिए माइनस साइन के साथ तो आपको यह मिल जाएगा। तो ये जो है रिलेशन है this is the relation तो वेलोसिटी जो है फ्लो वेलोसिटी ये है। इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन लिखा है नॉन डायमेंशनल फॉर्म इसे कहते हैं। वेलोसिटी बाय वेलोसिटी कोई यूनिट नहीं है। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कोई यूनिट नहीं है। माइनस एच स्क्वायर बाई एच कर लेते हैं। एच स्क्वायर बाई एच ये हो गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये एक नॉन डायमेंशनल इसमें डी पी बाई डी एक्स भी होगा डी पी बाई डी एक्स वेलोसिटी प्रेशर ग्रेडियंट ये जो टर्म है ये नॉन डायमेंशनल टर्म है और नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट इसको कहा जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है ये नॉन डायमेंशनल है। इसकी आप डायमेंशन निकालेंगे तो जीरो आएगी।
दिस इज नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट, नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट. नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट, तो जो वेलोसिटी है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये माइनस साइन भी इसमें ले लिया है तो प्लस रहेगा, और बाकी जो है हमारा ये है. तो यहां पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो. एल्फा इज नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट, तो जो वेलोसिटी है वो प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, दिख रहा है. और यू कैपिटल यानी कि इस प्लेट की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है. नॉन डायमेंशनल फॉर्म में ऐसे लिखा गया, आप चाहें तो यू यहां मल्टीप्लाई करके इसको सीधे सीधे वेलोसिटी, डायमेंशनल वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. यहां आप देख सकते हैं कि इफ एल्फा इज जीरो, अल्फा मानिए इफ अल्फा इज जीरो, तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर ना रहे, प्रेशर ग्रेडियंट ना लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वेलोसिटी होगी वो पूरी तरीके से इस प्लेट की फ्लो, प्लेट के मोशन की वजह से ही होगी. जाहिर सी बात है जिधर प्लेट मूव करेगी फ्लूइड उधर ही मूव करेगा. तो वेलोसिटी क्या होगी इफ अल्फा इज जीरो, वेलोसिटी इज, वेलोसिटी इज दिस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज द वेलोसिटी व्हेन अल्फा इज जीरो. दिस फ्लो इज कॉल्ड सिंपल कुएट फ्लो, सिंपल कुएट फ्लो या कुएट फ्लो इसी को कहते हैं. जब प्रेशर ग्रेडियंट ना हो, मोशन केवल प्लेट के मोशन की वजह से हो. दिस इज, दिस मोशन इज कॉल्ड कुएट फ्लो, कुएट फ्लो और सिंपल प्लेट कुएट फ्लो सब एक ही बात है. यहां वेलोसिटी ये है, तो ये वेलोसिटी लीनियर है. u यहां पे कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो ये लीनियर वेलोसिटी है. वेलोसिटी और y के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, यानी कि हम इस यहां पे u by कैपिटल u ले लेंगे इस एक्सिस पे, u by कैपिटल u, तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू y by h, नॉन डायमेंशनल फॉर्म y by h. तो इधर अगर हम y by h ले लें, y by h इस दिशा में ले लें, तो जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर होगा, वो लीनियर होगा. और y जीरो पर जीरो वेलोसिटी और y h पे वेलोसिटी u, और u by u क्या होगा, u by u y h पे वन, मान लीजिए यहां वन है, मान लीजिए सपोज दिस इज वन, तो जो इस तरीके का ग्राफ है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ग्राफ है ये आएगा जब प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा, जीरो होगा. तो ये ग्राफ इस तरीके से लीनियर होगा, यानी कि जैसे जैसे हम इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और यहां पे वन हो जाएगी, यानी इस प्लेट की जो वेलोसिटी वही हो जाएगी. यू बाई यू का वन होना मतलब ये है, दिस इज कैपिटल यू, दिस इज कैपिटल यू,
यहाँ पे, और ये स्टेशनरी प्लेट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। और कोई कारक नहीं है, और कोई फैक्टर नहीं है, और कोई कॉज नहीं है जो फ्लूड को फ्लो करवाए, सिवाय इसके कि प्लेट मूव कर रही है तो उसी के सारे फ्लूड मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है जो प्लेट मूविंग प्लेट के करीब का फ्लूड होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे कम होती जाएगी, और जब नॉन स्टेशनरी प्लेट के पास आ जाएंगे जो मूव नहीं कर रही है तो इस पर फ्लूड की वेलोसिटी जीरो होगी, तो वेलोसिटी जीरो से लेकर के यू तक मूव करेगी और वो लीनियरली मूव करेगी, मतलब फ्लो इंक्रीज करेगी, लीनियरली इंक्रीज करेगी। तो ये तो हो गया सिंपल कोएक्स फ्लो के लिए वेलोसिटी का पैटर्न। अब हम आते हैं जब प्रेशर भी रहे तब, अल्फा क्या है ये आपको मालूम है, माइनस डीपी बाय डीएक्स, इस एच स्क्वायर बाय टू म्यू यू डीपी बाय डीएक्स। अब इसकी जरा एनालिसिस कर ली जाए, जब प्रेशर ग्रेडियंट भी हो और प्लेट मूव भी कर रही हो, जब दोनों चीजें हो तब वेलोसिटी कैसे, ये दोनों वेलोसिटी को ये फैक्टर यानी कि अल्फा और यू ये कैसे वेलोसिटी को प्रभावित करेंगे। देखिए तो देखिए y इज पॉजिटिव, h इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा इज दिस नंबर, इसको देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव, और ये हमेशा वन से कम ही होगा क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू h हो सकती है बस। तो दिस इज पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। अब ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है अल्फा पे, अल्फा पे, अल्फा ये है, एच स्क्वायर इज पॉजिटिव, टू इज पॉजिटिव, म्यूज विस्कोसिटी इज पॉजिटिव, यू इज पॉजिटिव, प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। एक्स के साथ अगर घटेगा तो ये निगेटिव होगा, और एक्स के साथ अगर बढ़ेगा तो यह पॉजिटिव होगा, यानी प्रेशर इस दिशा में अगर घटेगा तो ये निगेटिव होगा, और इस दिशा में अगर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव साइन पहले से लगा है। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट हम ये माने कि एक्स की डायरेक्शन में घट रहा है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट इज निगेटिव, प्रेशर इज डिक्रीजिंग विद एक्स, तो फिर ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव और ये मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह से अल्फा भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर प्रेशर एक्स के डायरेक्शन में घटता जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, तो अल्फा पॉजिटिव होगा। अल्फा पॉजिटिव का मतलब यह है कि प्रेशर इस डायरेक्शन में एक्स के दिशा में घट रहा है, यानी कि जो प्रेशर की वजह से फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा पॉजिटिव का मतलब यह है कि प्रेशर की वजह से फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फ्लूइड को इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अल्फा पॉजिटिव का ही मतलब है। तो इफ अल्फा इज पॉजिटिव, If alpha is positive, flow due to pressure
इज अलोंग पॉजिटिव इज अलोंग ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और बढ़ती दिशा में होगा. इफ प्रेशर इज नेगेटिव और अल्फा इज नेगेटिव लेस देन जीरो. अल्फा नेगेटिव होने का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव होगा यानी प्रेशर इधर की तरफ बढ़ेगा तो फ्लो ड्यू टू प्रेशर प्रेशर ओनली इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन होगी. ठीक है, केवल प्रेशर की वजह से जो फ्लो होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, प्लेट के फ्लो की बात नहीं कर रहे. तो यह बात ध्यान रखनी है. और अभी जब देखा जाए अल्फा जीरो होगा तो कैसे होगा, यदि वो केवल प्लेट की वजह से फ्लो होगा उसको हम देख चुके हैं वो किस डायरेक्शन में होगा. लेकिन जब प्लेट भी मूव कर रही हो और प्रेशर ग्रेडियंट भी हो तब के लिए हम बात कर रहे हैं. तो यहां पे ये समझने की जरूरत है कि व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव मींस प्रेशर ग्रेडियंट सपोर्ट्स द फ्लो अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हेन अल्फा इज नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट सपोर्ट्स फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस उल्टी दिशा में, यानी उसकी वजह से जो फ्लो होगा वो इस दिशा में कराएगा. तो दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव होगा वही फ्लूइड पर देखने को मिलेगा, बढ़ेगा या घटेगा या जिस दिशा में होगा उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो ये होगा. अब मान लीजिए कि अल्फा जब पॉजिटिव है, जब अल्फा पॉजिटिव है तो फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव करेगा प्रेशर की वजह से और प्लेट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्लेट भी इधर ही सपोर्ट करेगी फ्लूइड को. तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में उसमें प्लेट का सपोर्ट मिल जाएगा और तेजी से होगा. तो जो पिछला आपको हमने बताया था पोजाई फ्लो में जिसमें दोनों प्लेट स्टेशनरी होती है, फ्लो केवल जो है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, उसको हमने देखा था कि वो फ्लो इस तरीके से होगा यानी कि यहां जीरो होगा, दोनों प्लेट पे जीरो होगा वेलोसिटी. जाहिर सी बात है क्योंकि प्लेटें स्टेशनरी है तो वहां पर तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और बढ़ेगी, बीच में मैक्सिमम होगी और फिर कट जाएगी. इस तरह का होगा फ्लो. इस तरह का हो जब केवल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होगा व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव. अगर साथ में यह भी है जो कि हमारा केस है कुवेट पोजाई में, कुवेट और पोजाई दोनों के इफेक्ट है, तो ये प्लेट चूंकि इधर मूव कर रही है तो इस प्लेट पर तो वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी प्लेट की है वही लेना है इसको. मान लीजिए ये प्लेट की वेलोसिटी तो इधर सपोर्ट मिल जाएगा यहां नहीं मिलेगा. तो यही जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा. एक्चुअली और ज्यादा उभरी रहेगा इससे तो ज्यादा ही जाएगा. तो ओरिजिनली मान लीजिए फ्लो ये था प्रेशर की वजह से और जब वेलोसिटी का इसका प्लेट का सपोर्ट मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से लगभग हो जाएगा. मान लीजिए ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गया प्लेट का तो और बढ़ा के इसमें वेलोसिटी, लेकिन यहां पर आके उसको जीरो ही बना. अब अल्फा अगर आप और बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि प्लेट
कि जो वेलोसिटी है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ेगी, लेकिन ये भी है कि इस प्लेट पर फ्लूइड की वेलोसिटी वही होगी जो इस प्लेट की है, तो वापस इसको यहीं पे आना है, ठीक है। और जब कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है केवल प्लेट की वजह से है, तो जैसे यहां है वैसे रहे इस तरीके से, ये वेलोसिटी का पैटर्न मिलेगा। एक केस वो भी आएगा जो ये वाला है, जब अल्फा नेगेटिव होगा यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो उल्टी दिशा में होगा, उल्टी दिशा में होगा। जब अल्फा जीरो है तो ये है, जब मान लीजिए कि अल्फा वन है, मान लीजिए कि जब अल्फा वन है तो हम इसको देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि इस तरह की वेलोसिटी मिलेगी। कुछ इस तरीके से मिलेगी व्हेन अल्फा इज वन, ये अल्फा जीरो के लिए है। और ये अल्फा वन के लिए, सॉरी माइनस वन, अल्फा वन पे भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगी, इस तरफ मिलेगी। ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं होंगे, जैसा इधर दिख रहा वैसा इधर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा। नीचे की तरफ कुछ इसमें इधर ज्यादा रहेगी और इधर इस वाले केस में यहां पे थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब मान लीजिए कि अल्फा माइनस टू है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में हमने प्रेशर और बढ़ा दिया, इधर की तरफ और ज्यादा कर दिया, तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो फ्लूइड को इस डायरेक्शन में मूव कराएगा नेगेटिव के केस में। अभी लेकिन रिवर्स फ्लो नहीं हो रहा था माइनस वन में, रिवर्स फ्लो का मतलब है कि दोनों का जो इफेक्ट है वो कुल मिला के इधर ही था, यानी क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव नहीं मिली, जीरो के इधर ही है। लेकिन जब अल्फा माइनस टू होगा तो ये कुछ ऐसे हो गया, ये जो पोर्शन है ये इसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो गई इतने पोर्शन में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि उल्टी दिशा में फ्लो हो गया, यानी कि इस पोर्शन का जो फ्लो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है और इसके ऊपर जो फ्लो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है। ऐसा हो जब अल्फा प्लस टू यानी कि इधर ही प्रेशर सपोर्ट करे फ्लो को और प्लेट भी इधर ही है, तो जो ये केस हमने दिखाया था वैसा ही, तो यहां पे ऐसे मिलेगा। अल्फा प्लस टू और बढ़ाते जाइए, अल्फा थ्री कर लीजिए तो हो जाएगा, यहां अल्फा माइनस थ्री कर लीजिए तो ये और इधर हो जाएगा, यानी रिवर्स फ्लो और बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता है कि माइनस वन के बाद रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा, और उसमें अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को समझना है। अगर बहुत ऑब्वियस है कि प्रेशर ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, लेकिन प्लेट इधर ही कराएगी। जब प्रेशर अल्फा पॉजिटिव है यानी प्रेशर वी इसी डायरेक्शन में करा रहा है, तो अल्फा पॉजिटिव के लिए हमेशा ही फ्लो इस डायरेक्शन में ही मिलेगा एक्स एक्सिस के अलावा। लेकिन अगर प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और प्रेशर इस डायरेक्शन में लगा है यानी अल्फा निगेटिव है, तो माइनस वन तक हमने देखा कि दोनों एक दूसरे को ऐसे बैलेंस करेंगे, यानी प्लेट का मोशन और प्रेशर डिफरेंस, इनका जो इफेक्ट होगा कंबाइंड वो इस तरह का होगा कि जो है ओवरऑल फ्लूइड इधर ही मूव करेगा, निगेटिव कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मिलेगा नहीं। इसका कारण यह है कि ये जो प्लेट का प्रभाव है, जो प्लेट मूव कर रही है उसका जो प्रभाव है और जो प्रेशर का प्रभाव है, प्रेशर डिफरेंस अभी हमने कम ही लगाया इधर, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो फ्लूइड को उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर जब हम प्रेशर का प्रभाव बढ़ा दें
उल्टी दिशा में, तो ये देखने को मिला था कि कुछ पोर्शन में रिवर्स फ्लो मिला, और वो पोर्शन कौन सा है, स्टेशनरी प्लेट के पास का पोर्शन है। जाहिर सी बात है ये प्लेट चूंकि इधर मूव कर रही है ऊपर वाली, तो वो उधर ही ले जाएगी, और ये स्टेशनरी है, ये न्यूट्रल है, तो इस प्लेट के ऊपर तो जीरो वेलोसिटी होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे जैसे प्रेशर का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर का प्रभाव इतने पोर्शन तक रिवर्स रहा, उल्टी दिशा में रहा, यहां सबसे ज्यादा रहा, फिर कम होता गया और कम होकर यहां फिर जीरो हो गया, और फिर इसके आगे यानी इसके ऊपर की जो लेयर्स हैं वो फिर सब इधर ही मूव कर रही हैं, कि वो इसके इसके प्रभाव में आ गई, इसके करीब का जो फ्लूड है वो इसके ये प्लेट जो है जो मूव कर रही है जो उसके करीब का फ्लूड है वो उस फ्लूड के ऊपर इस प्लेट का प्रभाव ज्यादा है, और इस मोशन का जो प्रभाव है, प्लेट के मोशन का जो प्रभाव है वो नीचे जाने पर धीरे धीरे घटता जाएगा, वो दिख रहा है। यहां पर आकर के जो प्रेशर है वो हावी हो गया और इस दिशा में मोशन करवाया, और अल्टीमेटली फिर जब इस प्लेट पे आ गए तो इसका जो मोशन है वही मोशन फ्लूड का होगा यानी जीरो। ये कुल मिला के इस तरीके की पिक्चर देखने को मिल रही है। तो ये तो समझ में आया कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। अब कुछ क्वांटिटीज हैं उनको देख लीजिए, जिसमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये देख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मतलब दोनों प्लेट के बीच में ये चौड़ाई है इसको वन मान के चलेंगे, वन ले लेंगे, और फिर जो दोनों प्लेट के बीच जो फ्लो होगा वो देखते हैं। वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताया था कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यानी कि ये जो है प्लेट, दोनों प्लेटें ले लीजिए ऊपर नीचे, तो इनके बीच से जो फ्लो हो रहा है इसको अगर देखिए, इसको वन ले लेते हैं और किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो यू है, ऐसे पता चलेगी यू, और ये हो जाएगा डी वाई डी जेड, ये वाई ये दिशा में है और ये डी जेड, ठीक है। तो इस स्मॉल एरिया से जितना फ्लूड पास हो रहा है वो हो गया वेलोसिटी इनटू दिस यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में जितना इस स्मॉल एरिया से पास हो रहा है, पूरे से कितना पास हो रहा है इंटीग्रल कर देंगे वाई जेड को कर लेते हैं, जेड इज फ्रॉम सपोज जीरो टू वन एंड वाई इज फ्रॉम जीरो टू एच, ये हो गया। ये तो टोटल फ्लूड जो इस पूरे चैनल से एक सेकंड में पास होगा वो एवरेज निकालना है, तो एरिया से डिवाइड कर दें, टोटल एरिया से डिवाइड कर दें, तो एक सेकंड में जो फ्लूड पास हो रहा है यूनिट सेक्शन से वो मिल जाएगा, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये एक्चुअली वॉल्यूम है जो हमको मिला है, वेलोसिटी इनटू दिस एरिया इज द वॉल्यूम पासिंग थ्रू दिस रीजन इन यूनिट टाइम, यानी कि अगर ये हम ऐसे समझें तो यहां से एक सेकंड में जितना फ्लूड वॉल्यूम पास हो रहा है, वॉल्यूम पास हो रहा है वो मिलेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस एरिया से डिवाइड कर दें तो एक सेकंड में जितनी लेंथ ये मूव करेगा यानी वेलोसिटी वो मिल जाएगी, तो दैट इज एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया है ये जेड के अलावा वन और ये है एच, तो वन इंटू एच एंड ये, ठीक। अब ये केवल है वाई का फंक्शन, जेड का है ही नहीं, तो जेड के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करिएगा तो जेड मिलेगा, उसकी लिमिट जीरो टू वन है यानी वैल्यू मिलेगी वन, तो ये अल्टीमेटली रिड्यूस होकर के हो जाएगा इसमें इतना हो जाएगा, और ये वेलोसिटी यहां रखने के बाद जब इंटीग्रल करिएगा आप इसको, ये यू मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है।
इसका इंटीग्रल कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज y स्क्वायर बाय 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर बाय 2, ये y क्यूब बाय 3 और फिर लिमिट 0 टू h, तो ये आएगा क्या, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये क्या आएगा, ये सिंपली आ जाएगा 1 बाय 2 अल्फा बाय 6 u, बहुत सिंपल, इसमें रिड्यूस हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज दिस, यानी कि जैसे कि वेलोसिटी बदल रही है हर पॉइंट पर जगह जगह पर, तो अगर हम दोनों के बीच में वो कौन सी वेलोसिटी है जो रिप्रेजेंट करेगी पूरे को, यानी एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम इस वेलोसिटी से पास होगा उतना ही फ्लूइड वॉल्यूम इस एवरेज वेलोसिटी से पास होगा, है ना, कहीं वेलोसिटी कम है कहीं ज्यादा है, तो वो वेलोसिटी जो इनका एवरेज हो वो ये है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में हम देख रहे हैं कि व्हेन अल्फा इज -3, माइनस का मतलब इस दिशा में प्रेशर ग्रेडियंट अप्लाइड है, यानी कि इधर बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो व्हेन अल्फा इज -3 तो ये देखिए ये जीरो हो जाएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जब अल्फा -3 होगा तो कोई एवरेज फ्लो नहीं होगा, तो देख रहे हैं, देखिए ये -2 है तो यहां पे रिवर्स फ्लो है इस डायरेक्शन में, फ्लूड मूव कर रहा है, और यहां पर इस डायरेक्शन में कम ज्यादा है जगह जगह के हिसाब से, लेकिन इस रीजन में इधर और इस रीजन में इधर मूव कर रहा है, लेकिन इनका कुछ रिजल्टेंट तो आएगा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए कुछ तो आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी से अगर हम देखें कि जब अल्फा -3 है और इधर जाइए, तो जब अल्फा -3 है तब जो ओवरऑल फ्लो मिलेगा उसमें इस डायरेक्शन में एक सेकंड में जितना फ्लूड पास होगा उतना ही एक सेकंड में इधर पास हो जाएगा, ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में ऊपर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है कि नीचे की वेलोसिटी कुछ हो ऊपर की कुछ हो, लेकिन एक सेकंड में जितना इधर जा रहा है उतना ही चैनल में उधर जा रहा है, तो नेट जो है वेलोसिटी जीरो होगी अगर पूरे चैनल में देखी जाए, तो एवरेज जीरो होगी, यानी कि यहां से कितना फ्लूड पास होगा एक सेकंड में, जीरो, क्योंकि जितना इधर चला जा रहा है उतना ही उधर चला जा रहा है, तो एवरेज जीरो हो जाएगा, तो -3 पर एवरेज वेलोसिटी जीरो है। ये जीरो है। अब आते हैं, एक क्वांटिटी होती है वॉल्यूम फ्लो रेट, बहुत यूज किया जाता है उसको, उसको भी देख लेते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब एक सेकेंड में चैनल से जितना फ्लूड वॉल्यूम पास होगा, अभी आपको बताया था, अगर यहां पे एच डिवाइड ना करें तो फिर वो मिल जो ये क्वांटिटी है ये दे रही है एक सेकेंड में चैनल से जितना फ्लूड वॉल्यूम पास होगा, तो हमें एवरेज मालूम है वेलोसिटी, तो क्यू अगर चाहिए तो एवरेज में एच से मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस इज एच इंटू यू एवरेज, यानी एक सेकेंड में चैनल से जितना फ्लूड वॉल्यूम पास हो रहा है यूनिट विथ के चैनल से, चौड़ाई अगर वन रखें तो एक सेकेंड में इस चैनल से जितना फ्लूड वॉल्यूम पास हो रहा है हम ये देख रहे हैं, ठीक है, वो ये होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब आइए, हाँ
शियर स्ट्रेस हो जाती है, यानी फ्रिक्शन कितना होगा इस मोशन में, दो लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, इसके लिए डेरिवेटिव एक बार चाहिए होगा हमको, डी यू बाई डी वाई, यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहां पे यू रखिए, वन बाई एच, और शियर स्ट्रेस क्या होगा यहां पे, देखिए कई कंपोनेंट होंगे शियर स्ट्रेस के, जिसमें यहां पे जो हमारे लिए वैलिड है वो ये है जो जरूरी है हमारे लिए, जो मतलब का है जो मिलेगा, बाकी तो मिलेंगे नहीं, सब जीरो हो जाएंगे। जैसे ये भी मिलेगा, ये भी होता है, शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स तो यही होंगे वाई जेड, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये क्या होता है डेल यू बाय डेल जेड डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, और ये होगा डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल जेड, ये होंगे। तो ये हमने बताया था यू जेड का फंक्शन है नहीं, इसलिए जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू तो वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, वी भी नहीं है, तो ये जीरो हो जाएंगे, यही मिलेगा, यानी जो फ्रिक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो लेयर्स हैं उन्हीं में होगा। तो क्या होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा म्यू डेल यू बाय डेल वाई और वी डेल वी बाय डेल एक्स, ये होगा। अब यहां पर वेलोसिटी ये है अलॉन्ग वाई एक्स जीरो है, तो यहां पे केवल मिलेगा ये, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि केवल ये वाई का ही फंक्शन है, और ये हमको मिल गया है यहां पर, तो ये मिल गया। तो दिस इज द शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, वाई पर डिपेंड करेगा, वाई के साथ बदलेगा। ये भी देख रहे हैं हम यहां पे, व्हेन वाई इज एच बाई टू दिस इज जीरो, मींस स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट, तो वाई इज एच बाई टू का मतलब मिड सेक्शन में, चैनल के बीचों बीच में, बीचों बीच में यहां पर जो है जो स्ट्रेस होगा शेयर स्ट्रेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा यानी अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, यानी कि अल्फा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट कुछ भी लगा बदलते रहिए, लेकिन चैनल का जो मिड सेक्शन होगा बीचों बीच में वहां पर प्रेशर शियर स्ट्रेस हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो होगा म्यू यू बाई एच, एक चीज आपको मिली। व्हेन वाई इज एच बाई टू स्ट्रेस इज कांस्टेंट, यानी अपर प्लेट पे की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और उनके बीच की दूरी पर, बाकी नहीं, मतलब ये प्रेशर ग्रेडिएंट पे नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा इज इंडिपेंडेंट
ऑफ अल्फा, ऑफ अल्फा। दूसरी चीज क्वेट फ्लो के लिए, यानी जब अल्फा जीरो, फॉर क्वेट फ्लो, ये क्वेट पोजाई फ्लो है जो हम देख रहे हैं। क्वेट फ्लो इट इंप्लाइज व्हेन अल्फा इज जीरो, व्हेन अल्फा इज जीरो, तो जो स्ट्रेस है वो भी कांस्टेंट होगा, और ये हर पॉइंट पे होगा। लेकिन ये तो अभी बात थी मिड चैनल पे, लेकिन ये जो है कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द चैनल फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई, यानी पूरे चैनल में यही कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट, यानी शियर स्ट्रेस कांस्टेंट होगा। तो जब केवल प्लेट का मोशन हो, ये तो हमको मालूम है वेलोसिटी जो है लीनियर होगी, और किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे स्ट्रेस सेम होगा, फ्रिक्शन सेम होगा, यूनिफॉर्म फ्लो है, फ्रिक्शन सेम होगा। लेकिन जब प्रेशर ग्रेडियंट भी होगा तब तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, और वो ये होगा, ऐसे पता चलेगा। लेकिन मिड सेक्शन पे हम देख रहे हैं वो ये होगा, जो कि यही है सिंपल क्वेट फ्लो का। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेट पोजाई फ्लो। इसको सिंपल क्वेट फ्लो में रिड्यूस कर सकते हैं व्हेन अल्फा इज जीरो। तो कभी कभी केवल क्वेट फ्लो पूछ लेते हैं, तो उसमें अल्फा आपको जीरो लेना है, यानी प्रेशर ग्रेडिएंट नहीं लेना है, ये वो अलग केस है। और केवल पोजाई फ्लो अगर पूछते हैं तो ये वो फ्लो है जिसमें केवल प्रेशर ग्रेडिएंट है, प्लेट में कोई मोशन नहीं है, दोनों प्लेट स्टेशनरी है। क्वेट पोजाई फ्लो कॉम्बिनेशन है क्वेट और पोजाई का, यानी प्लेट मूव कर रही होगी और प्रेशर ग्रेडिएंट भी होगा। तो ये तो दो प्लेट के बीच का जो फ्लो है वो हमने देखा, इसको चैनल फ्लो भी कहा जाता है। ये जिसमें क्वेट फ्लो है, क्वेट पोजाई फ्लो है और पोजाई फ्लो है। अब हम आगे जो है पाइप फ्लो देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।